मेरा नाम सोहनलाल पटेल है। क्या लगता है आपको, अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो आपके क्षेत्र में क्या माहौल है, किसकी सरकार बनती आपको दिखाई दे रही है केंद्र में? केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनते दिख रही है। क्यों ऐसा आपको लगता है कि दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी इसलिए बनेगा कि आम जनता तक उसका योजना पहुंचा है और राष्ट्र हित में कड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, युवाओं के बारे में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, तो चावल फ्री दे रहा है। लेकिन अभी हम कुछ गांव गए थे, वहां पे किसानों कुछ किसान नाराज दिख रहे थे। नहीं, कोई किसान नाराजगी नहीं है, जो वादा किया है मोदी गारंटी के तहत वो पूरा किया। विष्णुदेव सरकार ने मोदी गारंटी को पूरा किया। एक मुश्त देने का वादा था, 3190 रुपये के अंतर राशि पूरा एक मुश्त डाला गया है। तो क्या लगता है आपको, हिंदुत्व के मुद्दे पे और जो आप मुद्दे बता रहे हैं, इन पर वोट मिलेगी इस बार बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस तो एक सपना नहीं सोचा था हिंदू के बारे में कि आज राम मंदिर के निमंत्रण दिए हिंदू संगठन, लेकिन उसको ठुकरा दिया कांग्रेस ने। और अयोध्या राम मंदिर एक 500 साल के बाद बना है, एक हिंदू लोग गौरव की बात है। और क्षेत्र में उत्साह के माहौल है, हर गांव में, हर घर में भगवा का रंग चढ़ा हुआ है। अगर हम महासमुंद लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने ताम्रध्वज साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है जी। क्या लगता है आपको, जातिगत समीकरण पैक करेगा? जी बिल्कुल नहीं लगता है। और ताम्रध्वज साहू एक मोहरा है आज के डेट में। अच्छा, क्या वो नहीं जीत पाएंगे आपको नहीं लगता है? नहीं, जबकि उनके समाज से बोलते हैं कि बाहुल्य क्षेत्र है साहू समाज का। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं लगता। साहू वोटर हमारे वोटर हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। विश्राम पटेल। अभी लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको, केंद्र में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? मोदी जी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा लगता है आपको मोदी जी की सरकार बनेगी? क्योंकि उनकी योजनाएँ बहुत अच्छी हैं। अच्छा, क्या क्या योजनाएँ हैं जो आपको पसंद आ गई होंगी? सभी क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं और युवाओं के ऊपर, कृषकों के ऊपर, सभी को ध्यान दिया जा रहा है।